यदि आपने दो या दो से ज्यादा कंपनी में काम किया हुआ है और आपने पिछले कंपनी को अभी अभी चेंज किया हुआ है और आपने कंपनी चेंज करने से पहले बैंक की केवाईसी किया हुआ था लेकिन आपके पुरानी कंपनी ने उसे अप्रूव्ड नहीं किया हुआ था, अब इस केस में आप पैसा ऑनलाइन विड्रॉल नहीं कर सकते हैं और अब आप ये जानना चाहते हैं कि भैया इसका सोल्यूशन क्या है, किस तरीके से आप नई वाली बैंक की केवाईसी ऐड करेंगे, तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको डिटेल्स में बताने वाला हूँ। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको एग्जैक्ट प्रॉब्लम पूरे प्रैक्टिकल के साथ समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनके व्यू वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सर्विस हिस्ट्री वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि इन्होंने कई सारी कंपनी में काम किया है। इससे पहले वाली कंपनी आप देख सकते हैं EME करके आ रहा है, यहाँ पे कुछ डिटेल में दिखाऊंगा, कुछ हिडन कर दूंगा। अब इस कंपनी में इन्होंने छोड़ दिया है, डेट ऑफ एग्जिट भी अपडेट हो चुका है, अब उसके बाद से इन्होंने नई कंपनी ज्वाइन कर लिया है, अब ये नई कंपनी में काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे इन कंपनी का नाम देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली होता क्या है कि जब भी आप ऑनलाइन कोई भी किसी भी तरीके की KYC कर रहे हैं, चाहे बैंक अकाउंट लिंक कर रहे हैं, पैन कार्ड लिंक कर रहे हैं, पासपोर्ट लिंक कर रहे हैं, कुछ भी KYC आप ऑनलाइन कर रहे हैं, तो रिक्वेस्ट आपके करेंट वाली कंपनी के पास जाती है। तो चूंकि आपने इस कंपनी को अभी छोड़ा नहीं था, यानी कि इन्होंने इस कंपनी को छोड़ा नहीं था और छोड़ने से पहले इन्होंने ऑनलाइन KYC कर दिया, अब इससे फर्क क्या पड़ने वाला है देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पे मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, KYC वाले ऑप्शन पे चले जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा अगर आपकी KYC अभी भी पेंडिंग है तो यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखिए KYC पेंडिंग फॉर अप्रूवल इनके केस में देखने को मिल रहा है और यहाँ पे देखने को मिल रहा है पेंडिंग विद एम्प्लॉयर फॉर डिजिटल साइनिंग, यानी कि कंपनी के पास अभी भी पेंडिंग है, कंपनी ने अप्रूव्ड नहीं किया है। काफी सारी कंपनियां तो ऐसी होती है कि भाई एम्प्लॉय छोड़ के चले जाते हैं तो वो परेशान करने के लिए भी ऐसा काम कर देते हैं, लेकिन अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो भैया आप करोगे क्या, यहाँ पे ऑनलाइन पैसे निकालने जाओगे ना, ऑनलाइन सर्विसेज में क्लेम फॉर्म फिल करोगे तो पैसा नहीं निकाल पाओगे, आपको ये एरर मैसेज देखने को मिलेगा। देखिए जैसे कि मैंने दिखाया था EMR करके है ना, ये वाली कंपनी है, आपको देखने को मिल रहा है और इनकी KYC सन 2023 से ही चली आ रही है पेंडिंग, ये अभी ये वीडियो में 24 में शूट कर रहा हूँ। अब इस केस में तो ये पैसे नहीं निकाल पाएंगे, अब ये अभी भी ये इस इंतजार में बैठे हुए हैं कि इस कंपनी के द्वारा इनकी KYC को अप्रूव्ड कर दिया जाए, अब इनको पैसे की सख्त जरूरत है लेकिन ये निकाल नहीं पाएंगे। अब इस केस में आपको करना क्या है, देखिए इस केस में सिंपल सा एक काम आपको करना है, आपने कंपनी चेंज कर दिया है तो अब आपको इस वाली पेंडिंग वाली KYC को डिलीट कर देना है और फिर से एक नई KYC ऐड कर लेना है। इस बार आप नई KYC ऐड करेंगे तो नए वाले एम्प्लॉयर के पास चला जाएगा जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो। तो देखिए इनका KYC कैसे रिजेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे इसके लिए मैनेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे, KYC वाले ऑप्शन पे आपको दोबारा से चले जाना है और ये KYC जल्द से जल्द आपको कैंसिल करना है क्योंकि कभी कभी EPFO के यहाँ पे पोर्टल पे देखने को मिलता है भैया यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आता है डिलीट करने का। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे साइड आएंगे तो करेंटली एक्टिव KYC में जितने KYC एक्टिव हैं वो सब देखने को मिलेगा और उसके बाद से ये भी आपको देखने को मिलेगा कि पेंडिंग KYC में क्या है। तो पेंडिंग KYC में चूंकि हमने अभी भी जाना है कि इन्होंने बैंक अकाउंट लिंक किया था और अभी भी पेंडिंग है, इनके पुराने वाले एम्प्लॉयर ने अप्रूव्ड नहीं किया है, तो इसको करना क्या है कि आपको यहाँ से डिलीट कर लेना है। देखिए डिलीट का ऑप्शन है, इस पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप सही में डिलीट करना चाहते हैं, तो जी हाँ फ्रेंड्स हम यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं क्योंकि कंपनी अप्रूव्ड कर नहीं रही है, तो यहाँ पे हम डिलीट कर देंगे तो फिर नई KYC ये कर पाएंगे। तो चूंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ओके करेंगे, जैसे आप ओके करेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा KYC डिलीटेड सक्सेसफुली, अब सफलतापूर्वक डिलीट हो चुका है। अब उसके पास अभी भी यहाँ पे दिख रहा है देखिए, लेकिन ओके करूंगा तो ये हट जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, देखिए ये KYC पेंडिंग में जो था वो डिलीट हो चुका है और यहाँ पे आ चुका है, देखिए रिजेक्टेड KYC वाले में आ चुका है। रिजेक्टेड KYC में बता रहा है कि ये मेंबर के द्वारा रिजेक्ट किया गया है, रिजेक्टेड कर दिया गया है। अब उसके बाद से टाइम और डेट भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा जब आपने KYC किया था वो वाला, और यहाँ पे देखने को मिल जाएगा देखिए डिलीटेड बाई मेंबर, अब मेंबर के द्वारा डिलीट कर दिया गया है। डिलीट करने के बाद आपको दोबारा से KYC करना है, देखिए यहाँ पे बैंक की KYC पे जाना है और दोबारा से KYC ऐड कर लेना है डिटेल फिल करने के बाद। किस तरीके से बैंक की KYC आपको करना होता है, कितने दिनों में अप्रूव्ड होता है, इसके लिए डिटेल वीडियो हमने बनाया हुआ है, वो वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि देखिए करेंटली एक्टिव KYC में जो आपका बैंक है
अगर आपको लगता है कि ये बैंक इसमें पैसा आप मंगा सकते हो और आपको पैसे की जरूरत है, तो आपको करना क्या है कि ऑनलाइन सर्विसेज में जाना है और क्लेम फॉर्म वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना है। अब आपका क्लेम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एरर मैसेज देखने को मिल रहा था, अब एरर मैसेज पूरी तरीके से हट चुका है। लेकिन ये है कि आपने जो नई वाली बैंक केवाईसी किया था उसमें तो भैया पैसा नहीं आने वाला है, क्योंकि वो तो डिलीट कर दिया ना आपने। जो पुराना वाला बैंक है वो आप देखते हैं, इनके केस में कोटक महिंद्रा है, इससे पहले ये SBI का लगाए हुए थे। अब कोटक महिंद्रा में अगर आप पैसा मंगवा सकते हो, ये बैंक बढ़िया है, आपका चालू हालत में है, तो आप पैसे मंगवा सकते हो, ऑनलाइन क्लेम कर सकते हो। ऑनलाइन क्लेम करने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है। कुछ नए अपडेट आए हैं जिसको लेकर के हमने डिटेल वीडियो बना दिया है, वो वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि इस वीडियो से आपको काफी ज्यादा हेल्प मिला होगा। जैसे ये काफी लोगों की समस्या थी तो आज मैंने लाइव प्रूफ करके दिखा दिया है। फिर भी आपको कोई डाउट है तो एक बार पूरा वीडियो देख लो, वो बचे हुए डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप और किया जाना चाहते थे जो कि मैं कवर नहीं कर पाया, वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, उसका रिप्लाई मैं जल्द से जल्द देने का प्रयास करूंगा। इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।